नंबरदार की शादी जो है ना वो क्यों नहीं हो रही, नंबरदार की शादी क्यों नहीं कर रहे, नंबरदार की शादी जो है ना वो क्यों नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि कोई शादी नहीं है। जब से आप लोग न्यू घर में गए हैं तो आपकी भाभियां जो है आप लोग के घर क्यों नहीं आती, इनका जवाब भी दे दे मेरा। आज लग दे वाल सोने लग दे वदो। वैसे आपस की बातें बना क्या रही हो? आपस की बात है तो इधर भी देख लो उधर भी देख लो। चिकन पुलाव भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को पंचर लगवा लिया, इसकी जो फूक है वो भी भरवा ली मैंने। मैंने कहा इसका फूका पूरा हो गया ना तो बेहतरीन और टेस्टी चलेगी। तो तकरीबन आज 8वां 10वां दिन है, मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि खत छत जो है ना वो बनवाऊँ, अपनी जो है ना वो शक्ल सूरत अच्छी बनवाऊँ, सोना करवाऊँ, फेशियल मिशल करवाऊँ, लेकिन टाइम नहीं लग रहा। आज जो है ना मैंने सोचा कि आज जो है ना इंशाअल्लाह ताला करवा के आता हूँ। अभी मैं घर पंचर लगवा के घर पहुंच रहा हूँ, इंशाअल्लाह कोई रेसिपी वगैरह बनाते हैं, अपना व्लॉग बनाते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह शाम के टाइम ना फिर जो है ना जाकर ना खत शत जो है ना वो बनवाऊंगा। कल जब आपके सामने आऊंगा आप कहेंगे माशाल्लाह अहमद भाई यू आर लुक इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैंने नहाया भी है और माशाल्लाह से फ्रेश हो गया हूँ क्योंकि सूरज ने आज अपना मुंह दिखाया ना, बहुत अच्छा किया सूरज ने। यकीन जाने सूरज का एहसान है जी, माशाल्लाह से कि सूरज हमारे लिए थोड़ा सा निकला है, ये तो बिल्कुल चांद हो गया था चांद। आज केड़े आली पक्की तक कशा के नहीं उड़े, मैं घर में लगा इधर तो इधर जा रहे थे। अब देखिए देखिए जैसे मैंने बात की ना इसने बात को चेंज करके, मैं तो घर जा रहा था तो बंदे की नहीं दुआ सलाम होती है। क्या मसला है यार, ना दुआ सलाम ना कोई गलकड़ी शलकड़ी, ऐसे जा रहे हैं यार। मेरे प्यारे मेरे सोने मेरे बोलो मेरे प्यारे मसाले। थैंक यू सो मच यार। तुम किधर गया थे? मैं यार गया था वो गाड़ी को पंचर लगवाने के लिए। सही है, अब गाड़ी ठीक हो गई है। ठीक है, उसको बुखार था थोड़ा सा वो भी चेक करवाया है, ब्लड प्रेशर भी इसका हाई था वो भी चेक हो गया है। हाँ अब ठीक हो गई है। ठीक है, हाँ चलो आम साथ को रोटी पानी को चाय बोतल। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। वाल भी देख घर को जगह बढ़ा कर वे देखा वेदा तो रजा हो से ही वास्ते घर में ना पी। मैं पहले आ रजा होता घरों। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेबो ने नहाया आज, सब ने नहाया है माशाल्लाह सूरज को देख के ना। हसन जानी ने भी अभी नहाया है माशाल्लाह से। ख्याल से हाँ सदीक ठीक हो, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि मैं पंचर लगवाने जा रहा हूँ, जैसे ही वापस आऊँ ना तो मेरा दिल खुश कर देना। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा ज्यादा खुश ना हो, मेरा दिल आपने इस तरह से खुश करना है कि आपने जो गोभी की रेसिपी है ना वो तैयार करके रख दी है, तो माशाल्लाह से तैयार खड़ी है जी। यकीन करें इसने मेरा दिल खुश कर दिया जी। ये वाली डुई हो गई, इसको इधर रख देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी यार, गोभी मटर की रेसिपी तो दिल को लगती है जी। बिस्मिल्लाह। ओए हसन, ओए ओए चची आपकी इधर है जी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, दरवाज़ा खोल दो यार। थैंक यू सो मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज्यादा टेस्टी सलाद बना के रख दिया, मुझे ना भूख लगी हुई है। आपको पता मैंने नहाया है ना तो मुझे भूख लग गई है ना। और क्या खा रही है मेरी रानी? लाइट तो नीचे कर लो यार, क्या खा रही हो? कुछ नहीं खा रही, फिर ये बात क्यों चल रहा है आपका? माल्टा खा रहा है। माल्टा खा माल्टा खा के बोल लेती, जरूरी बोलना था। और ये जब देखती है ना कि अहमद जो है वो घर नहीं है तो फिर बाल्टे उठा के नमक शमक लगा के खाना शुरू कर देती है। पता है क्या होता है, बाल्टे उस वक्त खाए जाते हैं जब मियां बीवी एक साथ बैठ के ना माल्टा एक छीलते हैं, आधा माल्टा बेगम खाती है, आधा माल्टा जो है वो हस्बैंड खाता है, वो होता है खाने का और मजा। लेकिन इसको क्या पता, ये बस बैठ जाती है अकेले खाने। अब आपको मजा आ रहा है अकेले खा रही हो फुल? चलो
वो तेरी खैर, वो कहता है मुझे भी किन्नू दो जिसकी आपने चीख सुनी है, आवाज पहचान लेना हसन जानी की है। इधर अम्मी अब्बू का भी टाइम हो चुका है माशाल्लाह। आज फ्रूट खत्म हो गए या बचे हुए हैं? नहीं, दो पाए हैं, वो पांड मिला के खाते। आज आधा आधा करके खा रहे हो? हाँ। चले जी, आज फिर मेरा शहर चक्कर लगेगा इंशाल्लाह, फिर एक एक धड़ी लेके आ जाऊंगा। सुबह जो है ना, मैं सुबह को कह रहा था, मैंने कहा आपने कुकड़ी की रोटी भी खा ली है, मोटी रोटी होती है कुकड़ी की, उसको भूख लगी हुई थी वो खा गई, लेकिन आप ना रोटी में देख रहा हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है दूसरी रोटी है नहीं, यही कुकड़ी वाली है। देखिए इतनी मोटी रोटी जो है ना ये रखी हुई, डबल रोटी है ये देखे, तो अब ना मुझे ये कुकड़ी वाली खानी पड़ेगी। अब मैं खुद कुकड़ी वाली खाऊंगा, इतनी मुझे भूख लगी हुई है ना बहुत ज्यादा। किस चीज का? तो भूख लगी हुई है ना, आप पका के नहीं दोगी तो मैं कुकड़ी वाली ही कहूंगा। मुझे भी सुबह भूख लगी थी, मैंने भी आधी रोटी खाई। अगर कुकड़ी वाली रोटी ना मिली तो खुद पूरी कुकड़ी खा जाऊंगा मैं। तो अंदर आपने बैठ के खाया है, हैं? अंदर आपने बैठ के खाया, फिर बाहर आके शुरू हो गई। आपको पहला किलो छीला, बिजली चली गई। अच्छा, वो बिजली पे खाती हो आप? यार मजे की बात है, जब बिजली होती है तो किन्नू खाती है, जब बिजली नहीं होती तो किन्नू भी नहीं खाती। जी कितनी अच्छी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, किंजा की आधी रोटी मैंने खा ली है और गुजारा हो गया है। अभी मैंने कहा है कि मुर्गियों के लिए ना ये देखें, अभी हम और खाना बना रहे हैं उनके लिए, पूरी एक रोटी जो है ना इसको बना के ना ये इंशाल्लाह उनको डालेंगे। और उसके बाद मुंशी को कहा है, मैंने कहा चाय ले आओ यार, खुद भी पियो मेरे लिए भी ले आओ। हाँ जी, जल्दी आओ जल्दी। सबा पानी ले आओ मेरे लिए। क्यों कितनी होनी गिची, वो बोछन नीचे गिरता है, पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जी, मुर्गियों की खुराक बन चुकी है, तो चले जी अभी जो है ना उनको डाल के आते हैं। बन जाता है। कितनी रह गई? बन तो गई है बस, चलो ले चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चों को दो, बच्चों को खुशी होती है यार ऐसे। चलो आप धूप निकल आइए, टेंशन नहीं है। सबा वो भी आ रहा है, उसको तो उठा लो, उसने भी देखना है मुर्गियां कैसे खाती है। ये देखो ये आ गया है, आ जाओ सोने, आ जाओ आ जाओ, दरवाजा भी बंद हो रहा है, आ जाओ इसको ले आओ यार, वो पैदल बेचारा आ रहा है, देखना इधर से आएगा अभी। ओ ओ आ गया। चलो जी चलो चलो चलो, गन खोलता हूँ एक मिनट बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जी बेबो डालना शुरू कर रहा है, ज्यादा ज्यादा डालो, उसको भी डालने दो सबा, उसको भी डालने दो, खुद भी डालो। यार सबा छोड़ दो, खा लेंगे सब, खा लेंगे, टेंशन नहीं है, छोड़ दो, बच्चों के साथ लड़ जाती है ये। छोटी बच्ची तो नहीं हो ना आप, केड़े अंडे देखा है ना, तीन अंडे रखे हैं मेरे ख्याल में अंदर, माशाल्लाह से सब खा रहे हैं, मुश्ताक भाई भी खा रहे हैं माशाल्लाह से, किंजा भी, रिहाना भी, शुबैला भी, रुखसाना भी, फरजाना भी, उरूज भी, शुमैला भी, सब खा रही है माशाल्लाह से। मलका हमने रखा ही नहीं है, मलाइका, हाँ मलाइका, मलका नहीं मलाइका, मलाइका का नाम मुझे थोड़ा मुश्किल आता है। ओए यार खाने दो उनको, आराम से खाने दो। चलो सबा, अब सबा अरे यार क्या है, जोल घर जुलो, चल जोल 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 बेटा, आपको नहीं उसको था, जोल बेटा जोल जोल। तो कभी कभी गम था,
अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। अब तो हर पल ही तेरी याद। मेरे बाप को क्या है, पागल पागल सा फिर रहा है। मैं तुझसे कैसे कहूँ ये बता कि तेरे बगैर मैं ना जी पाऊंगा, मैं तेरे बगैर ना जी पाऊंगा। ना जीने के बाद करता है। अरे पगली तू क्यों रो रही है, सब सालन तो रेडी तेरा हो गया, रोटी पकाना तो शुरू कर, रोटी पकाना शुरू करना। तू तेरे को दो रोटियां मिल जो गैर दो रोटियां खा जोगी थी तू और तो तू इवें आंख से। मैंने कुकड़ी की आधी रोटी खाई है यार, था। अच्छा मैं चला जाऊं फिर, शहर जा रहा हूं मैं, थोड़ा तो काम है। दस ना, भी आज मैं जा रहा हूं शहर। मैं वो दाढ़ी बनवा रही है, आपने कहा नहीं अभी जाओ बनवाओ। दिमाग यार अपना जहाँ पे रखा कर यार, यार वैसे सीरियस कह रहा हूँ, अपना दिमाग ना जगह पे रखो यार। आप अजीब यार ना, काम वाली तेरा घर का काम करती है, तू पकाती है रोटी और सालन, तूने सालन अभी मुश्किल से बना लिया, अभी कहती है रोटी होटल से ले आना। यार कुछ तो ख्याल कर सबा, अगले मंथ ना काम वालों को छुट्टियां दे दे, ऐसे तो फिर दिमाग, ऐसे तो है ना ये सिस्टम खराब होता जाएगा ना, क्योंकि देखे जब काम इंसान नहीं करता ना उसकी आदत फिर खराब होती है, वो आदत नहीं होती ना फिर, मतलब ये काम जब नहीं करेगी ये तो फिर क्योंकि दुख सुख इन चीजों का नहीं होता पता, फिर इसकी आदत नहीं होगी काम करने वाली, फिर इसको बड़ा मसला बनेगा। तो अगले मंथ जो है ना ये जो आ रहा है 6-7 दिन तक ना काम वाली की जो है ना वो छुट्टी करवा देते हैं, तो ये घर का काम जब खुद सारा काम करेगी ना तब इसको पता चलेगा यार कि मुझे कितना सुकून था, मुझे कितनी आजादी दी हुई थी, तो फिर इसको एहसास होगा थोड़ा। सिर्फ रोटी ही सालन बनाना होता है वो भी ये नहीं बना सकती। तो जी अभी जो है ना उठ के आ गई है और आटा गूंदना जो है ना वो शुरू हो गई है, तो इसकी ना आदत है ना ना भी करती है और काम भी करती है, तो इस वजह से ना मैं चुप इसलिए कर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये काम करेगी, इसने करना ही है, ये आदत से मजबूर है, बोलती भी और काम भी करती है। तो अभी देखे फिर से शुरू हो गई है, आई रबी से आटा निकाला वही गूंदना शुरू हो गई। अगर जैसे मैंने उस टाइम कहा तो कह देती हाँ अहमद मैं बना देती हूँ रोटी, तो कितनी अच्छा लगता मुझे, मेरा दिल जीत लेती, लेकिन काम भी कर रही है मुझे खुशी है, लेकिन उस टाइम इसने नहीं कहा तो उसका भी दुख है। अब अंगूठियां उतार के आटा गूंदने वाली ये कौन सी बात है। हेलो, मैंने कहा पानी बंद कर दो, इधर पानी बंद कर दो, भर लो एक गिलास फिर बंद कर दो, जितना भरना हो ना एक बार भर लिया करो फिर बंद कर दिया करो, एक गिलास से आटा नहीं भर जाता, पानी जाया नहीं करना चाहिए ना, तो जग में भर लो बस, वो दूसरा गिलास भी भर के रख दो फिर दोनों आपके काम आ जाएंगे। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, पता होता तो जाहिर करती। मैं होशियार नहीं समझता जी, वो बंदा अपने नाम से, बंदा अपने काम से पहचाना जाता है सबा, बंदा अपने काम से अपने दिमाग से अच्छा। आप तो शहर जाने से जाओ फिर, पेट्रोल के पैसे वो मेरे कहा सभा से ले लो, सभा बैंक खोले ये गोदड़ी में हूँ तो और अच्छा नहीं है ना, तो हाथ तो मारने देना यार, पर्स तेरे हवाले होता है, खुदा का नाम ले, पर्स तेरे हवाले होता है, देख लो जो खजाना है मेरी जेब में निकाल लो। वैसे ना नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे, वैसे ना मेरी आदत नहीं है, देख लिया है ना, बेगम की नहीं है, फिर कहते अच्छा नहीं लगता, जब पैसे नहीं है जेब में फिर साफ जरा अच्छा नहीं लगेगा, बेगम की जेब में हाथ मारो कोई 10-20 निकल आए, ये मेरा ना दिल ऐसे गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बेगम की जेब में हाथ मारूं, नहीं जी नहीं, पैसे होंगे पर मैं नहीं चाहता जी,
इसको खर्चे पानी के पैसे देता हूँ, फिर मैं वही पैसे इससे ले लूँ, फिर क्या फायदा? वही 5,000 लिया था उसमें से इतना ही 2,000 बच्चा। अगले दिन कह रही थी 500 बच्चा हुआ है, वो मैंने किसी को दिया था, वापस आ गए हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, लेने हैं तो फिर दे देते। नहीं जी, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है जी, मुझे भी नहीं आपके पैसों की जरूरत। चल वाला आटा, एक मिनट रहने दे, आटा रहने दे, पहले वो पैसे उठा के दे दे मुझे। अरे आटा रहने पहले, और कभी आपने मुझसे पैसे नहीं मांगने। चल उठी, मैं अपने पैसे मांगूंगी। ते देख किठा वा तू जमा करवाई करी, खुदा दा नाम मजा कर यार। ये जो हमारे पैसे होते हैं ना, ये जो हमारे पैसे होते हैं ना, ये हम बराबर के होते हैं। आपका भी हक, आपका भी हक है, मेरा भी हक है। वही तो कह रही हूँ, फिर जो है ना मुझे ताना ना मारा करो। अच्छा। जितनी आपका हक है उतनी मेरा हक है जी, बिल्कुल बराबर किया जी, बिल्कुल। जितनी आपकी मेहनत है जितनी मेरी है जी, बिल्कुल। इस बात को अगर आगे रखते हो ना जी, फिर मुझे ताना इस बात का बिल्कुल भी ना। तो आप ऐसा करो, अभी ये जो हमारा घर है ना, ये वाला, ठीक है? ये बात सुनो मेरी, आपने कौन सा पासा लेना है, ये वाला या वो परली साइड वाला? मैं कुछ नहीं लेती। वो इधर दीवार दे देते हैं ना, इधर बीच में वो आधा आधा कर लेते हैं ना, क्योंकि आधा तेरा आधा मेरा है। मैं कुछ नहीं यार, मतलब ब्याह की ऐसे ही कर सकता हूँ मैं यार, हर चीज तेरे इस्तेमाल में है सोनी। गिलास बने दिए, चिंती तय करिए। नहीं, ये मारण की जो मेरे को अमदी वाला मरेदी क्यों करे, मजाक करती हो? अच्छा, वो कहते हैं कि मजाक में भी ऐसे, वो कहते हैं उलारिया तो मारिया हिस्सा बात होती है, तो ऐसे मजाक ना क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह है। मुझे अच्छा लगता है, अभी नहीं जा रहे शहर के। मैं जाऊंगा, मैं अपना व्लॉग बना के जाऊंगा, फिर टेंशन नहीं होती ना। अच्छा। हाँ जी, फिर आप लोग घूम फिर के बना लो, फिर चले जाओ। ठीक है। अभी जो है माशाल्लाह से बेबो जानी जूता पहन रहा है, ये देखें। और उसके बाद हसन जानी भी जूता कह, वो तो उस जो हसन जानी ने तो पहना हुआ है ना। हाँ, वो नहीं उतारता। हाँ, वो कहता है मुझे ना ठंड लगती है। चलो ये दूसरा पैर पहनो, जल्दी करो, जल्दी 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 पहनो, पहनो पहनो बेटा पहनो, जल्दी कर जल्दी। जूते पहनाने पे ना बच्चों को बड़ा वो करना पड़ता है, उसके बाद जाके ये पहनते हैं। अब देख देख, बहाने चेक कर, बहाने चेक कर, ये सारे बहाने हैं बस। चलो नहीं सीधा, चलो जेप लगाओ दोबारा से, दोबारा से लगा, आपको कह रहा हूं। ये वो जानी ना मेरे, मैं जब ऐसे जोर से बोलूँ ना, फिर उसको डर बहुत लगता है मुझसे ना, तो मेरे मुझसे डरता है ये, जो कि अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए ना बच्चों के अंदर। कोई ऐसी हरकत कर रहे हो तो उसका बाबा रोके तो उसको फौरन रुक जाना चाहिए कि बाबा जो है ना वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन ये सबा रोकती रहे, सबा की बात नहीं मानता। पहले डरता था, जब आप इसकी बारी आगे हो जाते थे ना, इसको नौ करो फलां करो ये करो, अब वो जो है ना उसको पता है कि अगर अम्मी कुछ कहेंगे तो बाबा जो है ना वो कुछ नहीं करना रहेगा, लेकिन बाबा से तो फिर डरता है ना। आज मैं कैसा लग रहा हूँ आप सबने जरूर बताना है, उसकी वजह ये है कि आज सबा ने मेरा सर धोया है, इतना धोया ना, इतने इतने बड़े बड़े केल वाली, पता नहीं क्या ये लेके आई थी केल, वो सारे उसके ऊपर केल लगे हुए थे, वही सिर में ना मेरे सर में रगड़ के इतना मारा, ऐसे इतनी मारा ना, जैसे कपड़े नहीं बुरश ऐसे चला रहे होते कपड़ों के ऊपर, इस तरह से ये कर रही थी। असल में उसको मुझे वीडियो भूल गई, मैंने थोड़ा सा क्लिप इसका ले लेना था जब इसकी वो हालत थी, फिर अभी वाली मुझे हो गई थी जी खुश्की, सर में हो गया था बप्पा जो सफेद वो, यानी कि एक सर में जो है ना वो जम जाते होते हैं, वो फिर सफेद कलर के होते हैं, तिनके होते हैं, वही पूरा सर ऐसे ना मेरा गिरते रहते थे वो कपड़ों के ऊपर, और इस तरह से ना वो उसको खुश्की कहते हैं, खुश्की डैंड्रफ कहते हैं समझ ले, तो वही आज फिर हमने ना ऐसे मार के ना पूरा इसको सफाई कर ओके किया ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लुक बहुत अच्छी लग रही है, सबा से भी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। सबा की मेहनत है, ऐसे नहीं। अच्छा, अगर सबा ऐसे हाथ में लगाते तो वैसे कुंजे के कंजे खड़े होते हैं। मैं तो रोज पानी लगा लेता था, बात छुपा लेता था उनको।
लेकिन आपने जो रगड़ा दिया ना, मेरा सर भी दुख रहा है। वैसे सर मेरा दुख रहा है, सुराख कितनी हो गई, कितनी मल निकली है सर से, कानों से, सर से, जिस्म से, कितनी मल। काफी कमेंट कर रहे थे अहमद भाई कभी कान भी साफ कर लिया करो, तो आज मैंने कान भी साफ करवा दिया जी सबा से, क्योंकि ये खुद तो इतनी यार। अच्छा मेन बात बताऊं, असल में बात असल जो बात है, टाइम टेबल का इशू है जी, माफ कर, टाइम टेबल नहीं होता। नहाता वैसे है, मैं आपको बताती हूँ, ये नहाने भी जाता है, ये नहीं कि नहीं नहाता, नहाता है, ऐसे जाएगा ऐसे पानी में डूबी मार वापस, ना शैम्पू ना साबुन क्या कुछ भी नहीं लगाना इसने, ऐसे वो मल जमती जाती है, जमती जाते फिर काली धूं शक्ल देते, कहते फिर कैमरे में सब तो चिट्ठी आते, मैं तो काला आता हूँ। सावधान है, जब आप अपनी वो केयर नहीं करोगे तो फिर कैसे चिट्ठे लगोगे। फिर आज मैंने पूरे एक घंटे के अंदर इसको जो है ना चिट्टा किया है, अभी आप सबने बताना है, खाल में आप देखगी ना, खाल कैमरे तो देखगी ना, देख लिया है आपने। तो बात ये है कि ये वाला क्लिप मैं नहीं डालूंगा व्लॉग में, जो आपने सारी बातें बताई। अच्छा। ये मैं वीडियो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, मैं ये क्लिप काट दूंगा, ये वाला क्लिप मैं काट दूंगा, कोई नहीं देखेगा ये वाला क्लिप। चिट्टे लग रहे, मजाक नहीं है यार, आप खुद माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह पाक आपको खुशी रखे, बस ऐसे हैप्पी रहा करो, मूड शूड ना बनाया करो, खुद भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। आप जब जो है ना वो मेरे पर ऐसे बातें करते हो ना, खान खा लेते हो, मेरा ना ऑपरेशन लग, आप ना एक आदत खत्म कर दो, मेरी बात सुन, आज अहद करो मेरे साथ, वादा करो, एक आदत ना आप खत्म कर दो, वो देखो करने को तैयार ही नहीं है वो आदत खत्म। किस चीज की? आप कोई भी, मैं आपको कहता हूँ सबा रोटी पका दो, आप कह दो जी अहमद बना देती हूँ, ऐसे कह देना चाहिए हस्बैंड का दिल, चाहे घंटे बाद भी बना दो, दो घंटे बाद बना दो, लेकिन मुंह से ऐसे हाँ बोल दो ना फौरी, वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा आप कहती हो अभी तो खाया है, ये किया है, वो किया है, मैं तो सो रही हूँ, होटल से ले आओ, होटल से खाओ, उसके बाद फिर आप 5 मिनट के बाद वही रोटी बना के दे देती हो, बना देती हो ना या नहीं बना देती? बोलो बोलो साथ बोलो, बना देती हो, बताओ ना, बना देती हो ना, बना देती है जी 5 मिनट के बाद, वही पहले हाँ कर दिया करो, बस ये सिर्फ आदत खत्म करनी है। आपने कोई भी काम ना नहीं कर दी, ठीक है, करो अपनी मर्जी से, लेकिन हाँ, वो कहते हैं हाँ दी भुख नहीं दिवेंदी, अगले तो दिल खुश थी। मैंने कैसे कर सकते हो ना, क्या कैसे कर सकता हूँ मैं, जब मैंने होटल का नाम कहा आपने कह देना था, फिर बाद में तो आप मुझे बाद में तो कह सकते थे ना, उस टाइम आप दो से चिल्लाने लग जाते हो। हाँ तो यार जो हकीकत है मैंने वो बताई है ना, वो वाला क्लिप भी ऐड होगा, चले ये वाला क्लिप भी ऐड होगा, बस और हुकुम कर, सब ने देख लिया जी, जो जो हमने वीडियो बनाई है सब ने देख लिया, ओके चले जी, साफ हो गया है, हकीकत होती है वो हकीकत होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे कह रहे हैं, मैं जो बात कहता हूँ ना, आप जो है ना मतलब के जल्दी से कह दिया करो, हाँ जी, तो मैं क्या कहती हूँ, उस टाइम मैंने मजाक किया, मैंने कहा अभी देखती हूँ कि ये क्या, इसको क्या रिएक्शन आता है, लेकिन आप मुझे पता नहीं क्या था कि आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ तो साफ जाहिर है, बंदे को भूख लगी हो और आप उसे होटल दिखाओ, खाई तो है रोटी, ये कहो कि आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, फिर तो मैं मानती हूँ आपका दिमाग शार्ट हो। यार मैंने आधी रोटी खाई है और आधी अभी रोटी खाई है, फिर भी आपका दिमाग शार्ट हो, तो फिर अल्लाह माफ करना, या अल्लाह माफ करना, 7-8 रोटियों का इल्जाम लगा दिया इसने मेरे ऊपर, मैं धार में केदे बजे बंदा, 7-8 रोटियां कहती है नाश्ते में आपने खाई है, वह खुदा 7-8 रोटियां तू टोटल बनाती है सबा पूरी फैमिली के लिए, कोई तक ख्याल कर, मुझे गरीब पे इल्जाम ना लगा। 25 रोटियां, हाँ जी चले आ रहा हूँ, नहीं बाज रही, बिजली नहीं है। अच्छा मैंने कहा शायद है अपनी बिजली, हाँ ये रेत पर बिछा के मुझे खेलने दो। ये जी माशाल्लाह से हमसाये की तार जा रही है, उसकी बिजली खराब है, तो वो फिर इधर से हम अपने यहाँ पे जो है ना लगा देते होते हैं, ये देखे चल रही है माशाल्लाह से। अम्मी जान जो है वो माशाल्लाह नमाज रूम में नमाज अदा कर रही है, काफ़ी बहन भाई कहते हैं नमाज रूम का विजिटिंग करवाते तो देख लें जी। अभी जो है ना हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, बस ये टाइम की वजह है, इतनी माशाल्लाह से इतनी चीज़ें पड़ी हुई ना जो हमने नमाज रूम के अंदर लगानी है, तो मसीद इंशाल्लाह ताला नमाज रूम को फिर रोज़ हम आपको विज़िट करवाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत प्यारा नमाज रूम हमारा सेटिंग हो जाएगी। रोटी बनाना शुरू भी कर रही हो तो क्या, ना बनाओ अभी मेरे लिए ना, आप शाम को बनाना, चलो गरम गरम, अबू अम्मी सब जो है ना गरम गरम, बना के रख
हार्ट पार्ट है तो फिर ठीक है। ये हार्ट पार्ट दिखाना, वो जो मैं न्यू लेके आया था ना, दिखाओ कौन सा है। वो ढक्कन तो रखा था। माशाल्लाह ठीक है जी, बहुत प्यारा। ये जी मैं हार्ट तेजिया खैर वो बात समझ लू मेरे सब पेर कर रही। ये देखे जी मैं हार्ट पार्ट लेके आया हूँ अपनी पसंद का। ये आप सबने बताना है कि खूबसूरत है या नहीं है। बस और ढक दे, हार्ट पार्ट में रख देना इंशाल्लाह गर्म रह जाएंगे। उन्होंने गारंटी दी थी, एक हफ्ते खान की दी थी। बस उसके बाद नहीं करना गरम। और यार गर्म होगी सारी जिंदगी, जब तक कहीं से लीक नहीं होगा ना रोटी गर्म रहेगी। एक लिया जी, अब इसने पेड़े बना के रख दिए, रोटी नहीं पकाई। यार आपने पकाने अहमद, मुझे जहाँ से गुस्सा चलता है हर टाइम आप मेरी बुराई करते रहते हो, हर टाइम मेरी बुराई करते रहते हो। इसको बुराई नहीं कहते जनाब, बात तो सुनो, इसको बुराई नहीं कहते, ठीक है ना। आपके सामने मजाक कर रहा हूँ, देख भी रही है फिर कहते हैं मेरी बुराई करते रहते हो। यार मैं कभी, आपने किसी बंदे के मुंह से सुना है कि अहमद जो है वो सबा के लिए बुराई कर रहा था? खुदा का नाम ले यार, कुछ तो ख्याल कर। आज ठंड इतनी है ना यकीन जाने, उसकी वजह यह है कि हवा, धूप तो निकली हुई है अभी तो खत्म हो रही है ना, 5 बज रहे हैं, लेकिन हवा जो है ना वो मामा छिल्लोड़ जो है ना वो सबको छिल रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है फुल, क्योंकि वो मामा छिल्लोड़ और करीबन एक हफ्ता है। अच्छा हाँ, फिर खत्म हो जाए। आज लग दे वल सोने लग दे वदो। सोनी लगदी वदी आज तू, माशाल्लाह जिंद चीवे वड्डी हयाती वाली होवे, वड्डी जिंदगी होवे आसान दे पियो। हां अरे मैं आदा इदे निसे जल्दे, पहले इदे ही जल्दो। तो जी वड्डा पतीला, बेहतरीन पतीला ते खुला पतीला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाइक भी बहुत प्यारी, मुंशी बैठ रहा है, देखें कितनी लुक आ रही है इसकी। और उसके बाद माशाल्लाह से भाई भी आज काले सूट में, भाई देखें तो सही, माशाल्लाह लुक चेक करें आज। सुभान अल्लाह, देखें देखें सफाई देखें, आज नहीं पकाया कुछ क्या? नहीं बनाया है लेकिन यार आज पता नहीं क्यों आपको नहाया है मेरे ख्याल में आपने। मैं तो रोज नहाता हूं, आधे रोज धंधा में एक गाल भी मेरी। आप तो चलो अंदर, तो चलो आप ले चलो पतीला अंदर ले चलो। हैं जो भाभी ने कहा है हर चीज बनी रखी है घर, फिर तुम उसके लगा रहे हैं। यार वो आपको पता है यार, जो खूबसूरत होते हैं मैं आपको पता है कह देता होता हूँ। जब आप ये देखो ना ब्लैक सूट में, आप खुद जाके शीशे में देख लो, अगर खुद प्यारे ना लगो फिर मुझे कहना कैमल भाई ना ऐसे बकवास कर रहा था। जी देखा शीशे में, बस यही चीज है, और हमें किस चीज की लालच है? बाकी पक रहा है जो कुछ पक रहा है, देख रहे हैं नसीब में है तो खा लेंगे। कहाँ जा रहे हो मुंशी? किधर? मुखलिस के घर। बाइक पे? ओह शाला कर जनाती भी, क्या मिट्टी हो गए कपड़े, छेक छेक ते मारना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, जैसे असलम भाई माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे, भाभी भी आज बहुत प्यारी लग रही है। हाँ। मटर जोड़ते हुए, बेशक आप आलू बना रही हैं, लेकिन जब प्यारी लग रही होती है मैं फिर तारीफ करता हूँ। बिल्कुल मुझे पता है आप जब मैं बना रही होती हूँ आलू मटर भी बना रहा हूँ, तारीफ करते हैं माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, ये तो आप भी बहुत अच्छे हैं। हम तो वैसे आपके घर जा रहे थे यकीन कर, तो आज कह रहे थे असगर भाई ने ना पर्सनैलिटी बनाई हुई है बड़ी खूबसूरत, मैंने कहा जाके ना विजिट करते हैं देखते, फिर देखा तो बख्तावर ये बड़ा सा पतीला लेके आ रही थी, फिर हम इस पतीले के पीछे पीछे आ गए। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे अहमदीन चल पाया,
उसको पता था शायद कुछ आला बन रहा है। अच्छा यकीन करो मुझे ना खाने की इतनी खुशी नहीं होती, ये जो पका रहे होते ना ऐसे देखने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा अच्छा आप बताओ जब भी बना रहे हो तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ, अच्छे लग रहे सुने। कभी मैंने खाया है आप ये बताओ? खाया तो नहीं है ना सर, खाली तारीफ करता हूँ। वो ना मुझे अच्छा लगता है ये जब आप बनाते हो ना मजे मजे की चीजें, तो फिर तो बहुत बड़ी दावत बन रही है ना। अच्छा मुखलिस की फैमिली टोटल सारे सब के लिए बड़ा पतीला, क्या ही बात है जी। असा दू जड़े हूँ चले जी, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो खैर शहर जा रहा हूँ, मैं तो तकरीबन रात को लेट आऊंगा आज ना, मैं अपनी लुक चेंज करने जा रहा हूँ। इधर होता इधर कौन सा नई बैठा है घर में? मैं दाढ़ी बनवा आया। आपने मेरे साथ चलना है शहर? आपने मेरे साथ चलना है शहर? क्यों चले जाएंगे? क्यों आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे? नहीं मैंने तो नहीं, आपने कहा ना मैंने चलना है, चलना है तो चलो, नहीं चलना तो मसला कोई नहीं है। पतीला इधर बन रहा है, चलना है मेरे साथ शहर? वापस आ जाएंगे जब तक पतीला बनेगा। लेट हो जाएगी। हाँ मैं लेट आऊंगा, मैं खा पी के आऊंगा। चलो ठीक है, अला आप जाए। ये पतीले वाले पसंद है या होटल वाले पसंद है? यार आपने तो इम्तिहान में डाल दिया। वैसे आपस की बात है, बना क्या रही हो? आपस की बात है तो इधर भी देख लो उधर भी देख लो। चिकन पुलाओ? चिकन पुलाओ नहीं, मैं सच्ची बताओ चिकन पुलाओ। सही सी रसा चिकन पुलाओ है। चिकन पुलाओ हाँ चिकन पुलाओ। यार तेरा नाक क्यों नहीं बड़ा होता? मुंशी का तो इतनी डिंगा डोड़ा हो जाता है, तेरा कुछ भी नहीं होता। देखो बिल्कुल सही भी हो जाता है, सबका होता है। ये वो एक फिल्म थी ना, बड़े बड़े लोग होते थे नाखून में, दूसरे हम जैसों को ना ऐसे नाखून में फंसा के ऐसे खा जाते। अच्छा सही है। ये मुंशी का आप देखना, मुंशी इधर खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर हो गई है हमारी हंसी मजाक कंप्लीट, तो अभी जो है ना चलते हैं दूसरे घर वहां पे जी। कुंडी ला सटे नन खुद यार दी ही दे, पता नहीं क्यों कुंडी ला सटे नन। हाँ मिल गए चार्जर, ख्याल ना ले करंट मरे ने है। ठीक हो गया जी, लग ना पोए ते को। हां मोटर फाल से गए बंद कर दे मैं, कीवे बुड़कदा खड़े पानी देखो चेक करो। वाह जी वाह। अभी जी हम पहुंचे इधर, भाभी का जो है ना वो तबीयत सेहत का पूछने आए थे, तो भाभी कह रही है कि माशाल्लाह से पहले से काफी फर्क है, ऐसे ना जी? चले हाँ लग भी रही है, वैसे सर्दियां भी हैं, आप अंदर छुप जाया करो बाहर ना निकला करो। माशाल्लाह सवेरा बेटी तो सारा काम कर लेती है। सही है, सही हो गया, रोटी सालन चाय सब कुछ। चले जी अल्लाह पाक सिया दे। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है, माशाल्लाह सारे काम घर के कर लेती है, सालन रोटी जो चीज भी है। रोटी पका लेती है या नहीं अभी रोटी? अच्छा सही है, सीख जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता। वैसे ज्यादा मजबूरी भी आ जाए तो वो तो बना भी सकती है ना, मजबूरी में खाई जा सकती है। सही है, सुबह हमारी थी वो आटा ताजा ताजा गूंधा था ना वो रात, बिल्कुल वैसे होती है, सही है। ऐसा तो वो सीखना ही पड़ता है, ये तो नहीं है कि हम कौन से ऐसे सीख के आए थे। कौन अपने माँ बाप के पेट से सीख के आता है? दुनिया में आता है तो सीखता है ना। चलें जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी सारी ऑडियंस आपके लिए दुआगो है, और इंशाल्लाह दोबारा से हमारी खुशियाँ बहाल हों। तो आप बीमार हैं ना ऐसे समझ लें सब बीमार हैं।
हाँ जी इत्तेफाक है बिल्कुल जी। तो एक बंदा भी बीमार होना तो सबको टेंशन होती है, अजीब अजीब हर किसी का अजीब अजीब मूड होता है। मैंने वो जवाब दिया था ना, वीडियो बनाई थी मैंने, कहा वो सर्दियाँ इतनी है, दिन भी छोटे हैं, फिर कोई बच्चा बीमार, कोई खुद को तबीयत सही नहीं होती, ये वो हम खुद देखे, ये मर्द है ना, हम तो ऐसे इधर उधर, वो तो हर किसी के। लेडीज साफ जहर है, वो अपने घर का काम करते करते उसको शाम, अब ये सभा मेरे ख्याल में हफ्ते बाद आई होगी या तीन चार दिन बाद आई, ऐसे ही है। हाँ भाई यही चीज है ना, चले हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे है, काम सवाल होते हैं तो बंदा आ जाता है, ऐसे फ्री नहीं होते, दूसरे इतने काम नहीं करते, फिर बंदा आता है काम से फारिग होके थोड़ी देर बैठता है, बहुत ज्यादा बड़े, चलो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, सही। लेकिन ये सब्जियों के दिन खाते पकाते तीन चार बज जाते हैं, फिर वो सुबह का खा के फिर शाम का स्टार्ट हो जाता है जी, हाँ जी हाँ, फिर शाम को खा पी के सो जाते हैं जी हाँ। आपको जी हीरो चेक करवाता हूँ, एक मिनट रुको हीरो, एक मिनट यार आप छोड़ दो ना यार, छोड़ दो एक मिनट, ओ पी ओ हीरो एक मिनट, मुझे ये आपका जूता चेक करना है हीरो, ये देखे जी इसका जूता चेक करें, ओ तेरी ये तो साफ है ना, ये वाला खराब आपने किया, क्यों खराब, कहाँ आपने खराब किया, हाँ सच पैंडल मार था, ऐसे पैंडल मार रहे थे, अच्छा अच्छा आप कैसे हो, क्या पका रहे हो आज, मटर पका रहे हो, वाह जी वाह जी। प्यारे बहन भाइयों अभी जो है वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नंबरदार की शादी जो है ना वो क्यों नहीं हो रही, नंबरदार की शादी क्यों नहीं कर रहे, नंबरदार का निकाह जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, नंबरदार का निकाह जो हो गया उसकी बेगम जो है ना वो कहाँ है। तो आज जो है इन सवालों का जवाब दें आपको कि नंबरदार की शादी जो है ना वो क्यों नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि जैसा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, इतनी ज़्यादा सर्दी है जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है, तो हमने कहा मौसम जो है ना वो थोड़े बेहतर हो जाए उसके बाद जो है, क्योंकि मसला बनता है जब मेहमान वगैरह घर में आते हैं, फिर सर्दियों में वो अपने छोटे छोटे बच्चे लाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या इस तरह से बड़ा मसले मसाइल जो है ना वो होते हैं, तो इस वजह से कहा कि मौसम जो है ना वो थोड़े चेंजमेंट हो जाए, उसके बाद जो नंबरदार का मतलब के साला हो गया उसकी भी शादी है, वो मेरे ख्याल में पहले उसकी शादी करेंगे उसके बाद फिर नंबरदार की शादी करेंगे, मेरे ख्याल में जैसा मैंने सुना है, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है हाँ जी, या शायद हो भी सकता है कि पहले नंबरदार की शादी हो नहीं, उसके बाद पहले जो है ना वो अपने बेटे की करेंगे, हाँ, उसके बाद फिर जो है ना बेटी की, हाँ जी, तो इस वजह से जो है ना वो नंबरदार की शादी नहीं हुई और अभी नंबरदार की कोई शादी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अभी जैसे फिर थोड़ा सा मौसम चेंज होता है उसके बाद फिर जो प्लान बनेगा जो भी इंशाअल्लाह ताला सबकी मुत्तफिका फैसला जो होगा उसके बाद जो है ना फिर उसकी शादी जो है ना वो हो जाएगी। सब कहते हैं कि नंबरदार का निकाह हुआ है और उसकी बीवी कहाँ है, तो इसका जवाब भी हम दे देते हैं, जो शहरी लोग होते हैं ना उनके यहाँ जो ये रिवाज है कि निकाह डाल के फिर वो सामने आ जाती है, हाँ, तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, निकाह डाल गया तो समझे ये सब मतलब के निकाह डाल गया तो उसकी बेगम हो गई, नहीं ऐसे नहीं है, निकाह मतलब हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रुखसती होती है, शादी होती है, हाँ, जब और मतलब अभी निकाह डला है तो उसके बाद फिर इसकी मेहंदी होगी एक हफ्ता पहले, फिर हफ्ता दुल्हन बैठी रहेगी, उसके बाद फिर हफ्ते के बाद फिर शादी होगी, फिर माँ बाप उसके रुखसत करेंगे तो उसके बाद फिर वो उसके साथ जो है जोड़ देते हैं, फिर वो उनकी शादी हो जाती है, फिर वो जो है बेगम और मियां बीवी जो है वो बन जाते हैं। लेकिन अक्सर जो शहर में देखा जाता है कि वो जैसे निकाह होता है फिर वो जो है ना मतलब दूल्हा दुल्हन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच भी रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, फिरते घूमने फिरने,
इकट्ठे होते हैं, तो इस तरह जो है ना इधर नहीं होता, इधर सख्त माहौल है, इधर जो है ना लड़की लड़के को मिलने का भी वो मौका नहीं है। हाँ जी, देखने का भी जो है ना यहाँ पर वो नहीं दिया जाता, हाँ अलाउड नहीं होता कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते। कोशिश करते कि शादी का भी समझ ले अलाउ नहीं है यहाँ पे। हाँ। भी लड़की कह दे मैंने इससे शादी, अब एक मिसाल के तौर पे मैं कह दूं अहमद से शादी मैंने नहीं करनी, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, अपनी अम्मी अबू की मर्जी से होगी शादी। हाँ, ये बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि हम इसको मजीद जो है ना इसको हम खत्म नहीं कर रहे, मजीद यही कर रहे हैं। अगर कोई करता है इस तरह तो उसको भी हम कहते हैं नहीं जी, ये हमारे बुजुर्गों का रस्म रिवाज आ रहा है, तो इसको ऐसे ही हमने कैब रखना है। तो इंशाल्लाह ताला जी जैसे मौसम ठीक होते हैं फिर इंशाल्लाह नंबरदार की शादी होगी, फिर धूमधाम से होगी, खुशियां होगी, हर चीज होगी। तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जो है वो जाना है शहर अपनी लुक चेंज करने के लिए, और सबा ने अभी पकानी है रोटी हॉट पॉट में रखने के लिए। मेरी बात सुना, अब करीबन 2 महीने तो हो गए होंगे मैं आपको कंडीशनर का नाम कह रही हूँ, आप नहीं लेके आए। कौन सा कंडीशनर? ये जो मार रहे हैं ये खत्म हो गया। अब जब आपको वहाँ पे वो कर रही थी दिखाया, उसका लेबल है ऊपर, लेबल है उसके ऊपर नहीं। अच्छा चलो मैं उनको बोल के कंडीशनर ले, कोई और अच्छे वाला, इससे भी अच्छे वाला ले आऊंगा। ठीक हो गया सब? अगर शैम्पू के साथ का अच्छे वाला मिल जाए, मतलब शैम्पू और वो अच्छे वाला मिल जाए तो वो ले आना जी इंशाल्लाह। चलें जी, ओके बाय बाय। हसन जानी भी आ गया, अब ये आपको कहाँ रोटी पकाने देगा? हसन रोटी पकाने दोगे? तो पके सूप है। हाँ वो कहता है हाँ पकाने दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी, बाय बाय।